नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपके आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के क्विज के कार्यक्रम को, जिसका पहला प्रश्न ये रहा, भारत में पैदल सेना दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को स्वीकार करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। निम्नलिखित में से किसे विचार की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए वार्षिक सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुजरात को हाल ही में 100% हर घर जल राज्य के रूप में घोषित किया गया था। हर घर जल के लक्ष्यों को 100% पाने पर पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों के उत्साह की प्रशंसा की। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। प्लेन लैंग्वेज एक्ट निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, न्यूजीलैंड ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है, जिसके लिए नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय सरल, आसानी से समझी जाने वाली भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पांच की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, लक्षद्वीप के समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न छह की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 पार्टियों का सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। FIH प्रो लीग 2022-2023 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग 2022-2023 के लिए 22 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में हरमनप्रीत सिंह को नामित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। वैश्विक गरिमा दिवस 2022 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, हर साल अक्टूबर के तीसरे बुधवार को वैश्विक गरिमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वैश्विक गरिमा दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस का शुभारंभ किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। डैश को भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।